टू ऑल, हमारी इससे पहले की जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने आरएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन डेफिनेशन एंड मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के लिए हम जैकब और मोनार्ड का मॉडल पढ़ेंगे। उससे पहले हम जीन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इस मॉडर्न कंसेप्ट में यूज़ होती हैं, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जीन का डेफिनेशन। जीन वर्ड्स जो है, जीन वर्ड्स इज गिवन बाय जॉनसन इन 1903 में। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जॉनसन जो थे साइटोलॉजिस्ट, उन्होंने ये जीन शब्द को दिया था। इससे पहले मेंडल्स ने जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, उसी को देखते हुए जॉनसन ने ये जीन वर्ड उस फैक्टर को दिया। देन व्हाट इज जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो यानी कि जीन क्या होते हैं? जीन वो स्पेशल संरचनाएं हैं जो किसी भी लक्षण विशेष की आनुवंशिकी को दर्शाती है, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी आनुवंशिकता दर्शाने वाले स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं, उस इकाई को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसके साथ ही जीन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जीन हाइपोथेसिस बनाया गया था, जीन परिकल्पना बनाई गई थी, और यही जीन परिकल्पना जो है उसे हम कारक सिद्धांत भी कहते हैं, फैक्टर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जो ये फैक्टर कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस फैक्टर कॉन्सेप्ट के अंदर मेंडल्स के लॉज को समझाने के लिए बताया गया था। और इस कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले जो ट्राई किया था वो किया था 1905 में बैटसन ने। जो बैटसन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल के तीनों नियम, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, और इसके साथ में जो थर्ड नियम था एग्रीगेशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बैटसन ने 1905 में फैक्टर कॉन्सेप्ट दिया था। उस फैक्टर कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला या उसको डिटरमाइन करने वाला, यानी नियंत्रित करने वाला और निर्देशित करने वाला ही जो कैरेक्टर है उसे हम फैक्टर कहते हैं, और यही फैक्टर जीन कहलाते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान में उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। साथ ही जो बैटसन थे उन्होंने ये बताया था कि ये जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ये फ्रैगमेंट्स के बने हुए होते हैं और क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड रहते हैं। तो क्योंकि उस टाइम तक क्रोमोसोम और जीन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो उन्होंने ये बताया था कि ये सारा जो है ये एक लीनियर फॉर्म पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और ये फ्रेगमेंट्स के बने हुए होते हैं। तो उसके बिहाफ पर उन्होंने फैक्टर कॉन्सेप्ट दिया था। बैटसन के दिए हुए सिद्धांत के बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन ने 1923 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर, जो फल मक्खी है उस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने जीन, उसकी स्ट्रक्चर और उसके जो भी फंक्शन हैं जीन के, उनको डिस्क्राइब किया था। जब उन्होंने ये फैक्ट्स दिए तो मॉर्गन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ ये बताया गया कि जीन जो है वो किसी भी कैरेक्टर को और फैक्टर के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और उस स्पेशल कैरेक्टर को ही हम फैक्टर कहते हैं। साथ ही इन्होंने, मॉर्गन ने ये भी बताया कि ये जो फैक्टर होते हैं वो एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, और जब एक ही साथ ये प्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। एक ही साथ अगर एक ही क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होंगे जीन, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंकेज ग्रुप। और ये लिंकेज ग्रुप जो होते हैं इनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कपलिंग और रिपल्शन, तो जो एक ही पेरेंट से एंटर करते हैं वो साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिंकेज की बात करता है, कपलिंग की बात करता है। उसके साथ ही जो अलग अलग पेरेंट से आएंगे वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, जो कि रिपल्शन के कॉन्सेप्ट को बताता है। तो लिंकेज ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। साथ ही इन्होंने, जो मॉर्गन थे, इन्होंने ये बताया था कि ये जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में, ये एलील्स की फॉर्म में होते हैं। एलील मतलब पेयर्स में
प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पेयर्स में प्रेजेंस को हम एलिलोमॉर्फी भी कहते हैं। इसके साथ मॉर्गन ने ये बताया था कि ये जो एलील्स बनते हैं, इन एलील्स के अंदर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये एलील जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सिंगल जो कि पेयर में पाए जा रहे हैं एलील तो वहाँ पेयर में नहीं होंगे, जब गैमेट्स बनेंगे ये सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए हर गैमेट्स के अंदर जो एलील होगा वो एक ही होता है। साथ ही इन्होंने जीन जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, उसमें ये भी बताया था कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो सब स्टेजेस चलती हैं पैकाइटिन, और उस पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है उस क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग ही जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो लीनियरी फॉर्म पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट उनमें पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा, फैक्टर हाइपोथेसिस में ही मॉर्गन ने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा लिंकेज उतना ही कम होता है। साथ ही अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा लिंकेज उतना ही कम होगा, और जितना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जितना लिंकेज ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होता है। तो ये मॉर्गन ने अपनी जो थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट को बताया। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे बेडल एंड टॉटम, इन्होंने 1941 में वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्या था कि सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय वन स्पेसिफिक जीन्स, कि जो भी हमारे एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जिनका सिंथेसिस हो रहा है, वो एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। तो एक एंजाइम है वो एक ही जीन से कंट्रोल्ड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। किसने दिया था, बेडल एंड टॉटम ने दिया था। देन इसके बाद एक साइंटिस्ट थे होले, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 1965 में टीआरएनए का जो मॉलिक्यूलर मॉडल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको बताया था सबसे पहले टीआरएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, टीआरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है आणविक आधार पर। इसके बाद खुराना ने 1970 में आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन पर बात की थी, एक जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था खुराना ने। देन बोवेरी और सटन, सभी लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो क्रोमोसोमल थ्योरी बोवेरी और सटन ने ही दिया है, इन 1902 क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, और उस क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि जो स्पेसिफिक जीन होता है वो जीन किस पर पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो सटन और बोवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी वो भी जीन की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है। तो अगर फाइनली इन सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हम देख करके बात करें, फैक्टर हाइपोथेसिस को एनालाइज करें, तो हमें ये पता चलेगा कि जीन की परिभाषा, जीन इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेंट टू अनदर, यानी जीन जो है वो एक नियंत्रित इकाई होती है जो कि हर सिचुएशन को कंट्रोल करती है, कौन से चीज़ों का ट्रांसफ़र होना है, इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें कंट्रोल भी करती है और उसे डायरेक्ट भी करती है, निर्देश भी देती हैं। जीन इज़ अ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन यूनिट ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो यहाँ पर जीन जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट है, वो डायरेक्शन भी देती है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या करती है, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। वैसे भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और ये जो जीन होते हैं इन जीन की जहाँ पर पोजीशन होती है वहाँ पर कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन
होती है। तो जीन पर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, और ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे जा कर के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी कैरेक्टर हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उसको बताती है। इसीलिए उसके आधार पर ही कई लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशंस होते हैं और कई लिविंग जो हैं वो सिमिलर ही रहते हैं, जिनको हमने रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बोलें कि जीन जो होता है वो एक म्यूटेशन और सेपरेशन का यूनिट भी होता है, यानी कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी वेरिएशन होता है, तो वो थ्रू म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के कारण जीन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। इसके साथ ही जीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन से कुछ नए कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। तो ये है सारा जीन का डेफिनेशन। जीन के डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में हम जो जीन का मॉडर्न कंसेप्ट है उस मॉडर्न कंसेप्ट पे बात करेंगे कि जीन का जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या बात करता है। एक्चुअल में जो जीन का मॉडर्न कंसेप्ट था वो एक साइंटिस्ट था, सैमर बेंजर, इन्होंने 1962 में ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसे सैमर बेंजर ने जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बताया था तो उसने एक टर्म यूज़ किया था, सिस्ट्रॉन। व्हाट इज सिस्ट्रॉन, उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, उस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पर हर एक जीन का एक पोजीशन प्रेजेंट होती है, मतलब हर एक जीन इस तरीके से सिचुएटेड रहता है। तो ये जो सिचुएशन पाई जा रही है जहाँ पर जीन प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं। और हर एक लोकाई पर क्या प्रेजेंट होती है, एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन की फॉर्म में हमारे पास में आती है। इसका मतलब है कि जीन जो है वो अपने आप को प्रोटीन के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाता है। इसलिए तो यहाँ पर जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए है जिस पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन के थ्रू वो एक्सप्रेस कर पाता है। इसीलिए सिस्ट्रॉन जो है, सिस्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक इकाई या कार्य करने वाली इकाई, कार्यात्मक इकाई जो होगी वो क्या कहलाएगी, सिस्ट्रॉन कहलाएगी। यानी यहाँ केस में जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए पर जो जीन सिचुएटेड है, इसका मतलब है कि उस लोकाई पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी और वही इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा। ये जो सिंथेसिशन हो रहा है, ये जो सिंथाइजेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये सिस्ट्रॉन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सिस्ट्रॉन जो है वो किसी भी डीएनए की एक कार्यात्मक इकाई होता है। देन रिकॉन, रिकॉन क्या होते हैं, इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच हैव कैपेसिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉन क्या है, रिकॉन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है किसी भी डीएनए की जिसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता होती है। रिकॉम्बिनेशन की क्षमता होना मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का ज़्यादा होना। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि जीन के एक्सचेंजिंग से ही होता है, क्रोमोसोम्स की एक्सचेंजिंग होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब मियोसिस होता है। मियोसिस की जो सब स्टेजेस हैं, कौन सी, पैकाइटिन, उस पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये एक्सचेंजिंग है क्रोमोसोम्स की, एक्सचेंजिंग ऑफ
क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की एक्सचेंजिंग है जिसमें यहाँ क्रॉसिंग ओवर के थ्रू रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए जो यूनिट काम में आती है, डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट काम में आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिकॉन कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूटोन। नाम से ही पता चल रहा है किसमें हेल्प करेगा, म्यूटेशन में। तो म्यूटोन क्या है, म्यूटोन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच हैव कैपेसिटी ऑफ म्यूटेशन, जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। डीएनए का वो पार्ट, वो इकाई जिसमें म्यूटेशन, जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसमें म्यूटेशन की कैपेसिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूटोन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट जीन पर नहीं होता है, वो म्यूटोन्स पार्ट पर होता है। यानी जो जीन है उस जीन पर एक स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट है जिसे हम म्यूटोन कहते हैं, तो वो म्यूटेशन कहाँ पर होगा, उस म्यूटोन रीजन पर ही होता है। रेप्लिकॉन, ये भी अंडरस्टूड है नाम से ही कि इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच हैव कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें पुनरावृत्ति की क्षमता पाई जाती है, जिसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन। कॉम्प्लॉन, कॉम्प्लॉन क्या है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन अभी हमने बात की, सिस्ट्रॉन क्या होता है, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, कार्य करने वाली यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। कई बार हम सिस्ट्रॉन को काम में नहीं लेते हैं और सिस्ट्रॉन की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो यूनिट है कॉम्प्लॉन, हम उसे काम में ले लेते हैं या वो काम में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लॉन। ओपेरोन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे जीन का एक ग्रुप है। इट्स अ फिजियोलॉजिकल यूनिट। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो फंक्शनिंग हो रही है उस फंक्शनिंग को कंट्रोल्ड करने वाली यूनिट, उस फंक्शनिंग को डायरेक्ट करने वाली यूनिट, उसकी कार्यात्मक इकाई, कार्य की इकाई। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है, यहाँ पर एक जीन्स का समूह पाया जाता है और बेसिकली यहाँ पर टू टाइप ऑफ जीन का ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक जीन कहलाता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, जो कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग में उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और एक होता है हमारा कंट्रोलर जीन या ऑपरेटर जीन, जो कि कंट्रोल करेगा और उस कंप्लीट सीक्वेंसिंग को ऑपरेट करने का काम करता है, उसे हम ओपेरोन कहते हैं। ओपेरोन मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो जैकब एफ मोनार्ड का है, प्रोकैरियोट्स के केस में, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लैब ओपेरोन के नाम से इसे जाना जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।